जय हो प्रभु। आपने ऐसे दुष्ट को आज संहार कर दिया है, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया है। देखा भगवान ने खेल खेल में समाप्त कर दिया। ऐसा भयानक रूप नरसिंह भगवान का देखा। कि दिल की आखिरी दिवाली थी और जीवन का हुआ दिवाला था, वो पृथ्वी और दो चार हाथ भी दिखलाए पर कौन खेलने वाला था। दो चार हाथ भी दिखलाए पर कौन खेलने वाला था। दो चार हाथ भी दिखलाए पर कौन खेलने वाला था। पृथ्वी आकाश लगे हिलने, पृथ्वी आकाश लगे हिलने, ओए महा घोर संग्राम हुआ। आखिर नर हरि के हाथों से और निश्चर का काम तमाम हुआ। काट कर शेष दुष्ट लाशों से वह धरनी भर दी और भक्तों के सिवा पिशाचों की वह नगरी उलट पलट कर दी। तीनों लोक में एक साथ जयकार पर न आस का सामने कोई भी सरदार। आज ऐसा भयानक रूप कोई भी हिरण्यकश्यप का सरदार अब सामने नहीं आ रहा। एक तो रूप नहीं समझ में आता, नीचे नर ऊपर सिंह घबरा गए। अद्भुत भगवान का रूप, सब घबराने लगे, चुपचाप काट काट के नरसंहार कर दिया। देखा अब भगवान बड़े क्रोध में हैं। इधर मैया लक्ष्मी बैकुंठ में देखा कि जय हो हमारे स्वामी, कैसा रूप आज बना लिया। बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी मैया देख रही हैं कि हमारे स्वामी ने आज ये कौन सा रूप बनाया। अरे अभी तक ऐसे रूप बनाए, आज मैं एक अनोखा रूप देख रही हूं, नीचे नर ऊपर से। बारे स्वामी घबराने लगी मैया, अब भयानक क्रोध में है नरसिंह भगवान। भक्त को इतना संकट। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कहीं हमारे स्वामी इसी रूप में अगर बैकुंठ में वापस आ गए तो हमें बैकुंठ भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भयानक रूप। डरने लगी। उस महातेज की ज्वाला से त्रिभुवन में ज्वाल भर रही थी और सुरमंडल अलग कांपता था और लक्ष्मी माँ अलग डर रही थी। आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़े, कोई भगवान के सामने नहीं जा रहा है तो कुछ संतों ने ब्राह्मणों ने देखा अब कौन इनके सामने जाए। ऐसा भयानक रूप और हिरण्यकश्यप को जिन्होंने फाड़ के फेंक दिया अब कौन जाए सामने, सब घबराने लगे। कुछ संतों ने प्रहलाद से कहा कि बेटा अब तुम ही जाओ सामने।
आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़े नरहरि के आगे आए हैं। और मानो उन शांति मूर्त ही ने करुणा निधि शांति बनाए हैं। आज प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े, ब्राह्मणों ने कहा कि प्रहलाद जी इनके सामने कोई नहीं जाएगा, बहुत क्रोध में है, ऐसा करो तुम ही जाओ। छोटे से बालक आज प्रहलाद और बड़ा मासूम चेहरा हाथ जोड़ के नरसिंह भगवान के सामने जैसे ही पहुंचे और नरसिंह भगवान की जैसे ही प्रहलाद के ऊपर नजर पड़ी तो आज भगवान ने भक्त प्रहलाद को गोद में ले लिया और बहुत रोए भगवान। जैसे एक पिता अपने बालक को पता नहीं कब से बिछोड़े हो, ऐसे ले लिया अपने भक्त प्रहलाद को, इतना रोए और माफी मांगी भक्त से भगवान ने। भगवान भक्तों के लिए पता नहीं क्या क्या कर, आज गोद में ले लिया, पुचकारने लगे जैसे एक गाय अपने बछड़े को पुचकारती है, जैसे एक बाप अपने छोटे से बेटे को गोद में जब बैठाता है तो सूंघता है पुचकारता है, वैसे प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने गोद में ले लिया और बहुत रोए और कहा बेटा मुझे माफ कर देना, एक भगवान और एक भक्त से माफी मांग रहा है, ये है भक्त और भगवान की महिमा। उठा लिए झट गोद में प्रभु ने जब प्रहलाद, और शांति छा गई विश्व में एक घड़ी के बाद। सुरमंडल ने उस समय प्रभु पर किया प्यान, हाथ जोड़ की प्रार्थना जय नर हरि भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने गोद में ले लिया, बहुत रोए और कहा बेटा मुझे क्षमा कर देना जो मुझे इतना समय तुम्हारे पास आने में लग गया, जिसके कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, हमको माफ कर देना। आज अपने आंसुओं से प्रहलाद को नहलवा दिया नरसिंह भगवान ने और राजगद्दी पर बैठाल के राजा बना दिया, तिलक कर दिया भक्त प्रहलाद का। भक्त राज को राज दे नर हरि कृपा निधान, और तत्क्षण अंतरहित हुए दीन बंधु भगवान। भक्त प्रहलाद को आज राजगद्दी पर बैठा दिया और कहा बेटा आज से हम तुम्हारे परिवार में किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, कह दिया कभी किसी को इस तरह से नहीं मारेंगे। इतना जरूर है अगर कोई तुम्हारे वंश में परिवार में उल्टा सीधा चला तो बांधेंगे। इन्हीं के वंश में आगे राजा बलि का बंधन भगवान ने किया था, क्योंकि वरदान दे चुके थे कि किसी को तुम्हारे परिवार में मारेंगे नहीं। आज भगवान ने प्रहलाद को आज बैठाल दिया राजगद्दी पर और राजा बना दिया। ऐसे भगवान भक्तों के लिए पता नहीं भगवान क्या क्या करे, कहते नहीं कि भक्तों के लिए क्या क्या ना किया राधा के प्रिया, राधा के प्रिया पहले भक्त बनकर देखो। भक्त का मतलब सरल, सरल बनिए भक्त बनिए, और भक्ति में बहुत शक्ति है, और भक्ति जिसके पास है भगवान उसी के पास है। अब दो मिनट भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद बहुत ही सुंदर झांकी आप लोगों के समक्ष